ज्यादा गर्दी था वहाँ पे, स्लो स्लो में गाड़ी आ रहा था, सभी पब्लिक भगदम कर दिए, उसमें कितना लोग शिकार हुए, बहुत लोग ट्रेन के नीचे गए, बहुत लोग पाँव कटा, बहुत लोग ड्रॉप हो गए हैं, तो कितना क्या क्या हुआ है। ट्रेन एक सब जर्नल का डब्बा था, उसमें रिजर्वेशन नहीं था, सब जर्नल था, उसमें सब लोग चढ़ने के लिए आए थे, अब इतना पब्लिक, हजारों संख्या पब्लिक था। बांद्रा में वो ट्रेन आने की वजह से, जब ट्रेन आ रहा था ना, बहुत ज्यादा गर्दी था वहाँ पे, स्लो स्लो में गाड़ी आ रहा था, सभी पब्लिक भगदम कर लिए, उसमें कितना लोग को शिकार हुए, बहुत लोग ट्रेन के नीचे गए, बहुत लोग पाँव कटा, बहुत लोग उधर ऑफ हो गए हैं, बहुत लोग को कितना क्या क्या हुआ है। ट्रेन एक सब जर्नल ही डब्बा था वो, एक भी उसमें रिजर्वेशन नहीं था, सब जर्नल था, उसमें सब लोग चढ़ने के लिए आए थे, अब इतना हजारों संख्या पब्लिक था। आपका भाई था, कौन था आपका? मेरा भाई है, मेरा बुआ का लड़का है, कितना उम्र है? उनका 28 है। टोटल कितने इंजर हुए? अंदाज से होएंगे 8-9-10 लोग, तो ज्यादा सीरियस है, 8-9 लोग, एक आदमी का पाँव पूरा कट गया है। एक हम लोग गांव जा रहे थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं बांद्रा से बांद्रा टेलमे से गोरखपुर जाने वाले थे। दिवाली के लिए जा रहे हैं हम? दिवाली के लिए, इतना गर्दी था। आपका नाम, पूरा नाम क्या है? मेरा उसका नाम क्या? उनका नाम है परमेश्वर गुप्ता। परमेश्वर कहाँ जाने वाले थे? गोरखपुर जाने वाले थे। कहाँ जा रहे हैं आप? निजामुद्दीन। दिवाली का मौका है, छुट्टी है, लेकिन भीड़ कितनी है अभी आप देखे? भीड़ तो है ही बराबर है। अभी यहाँ पर एक हादसा हुआ जिसमें 9 लोग घायल हो गए, एकदम भगदड़ बच गया जिसमें लोग घायल हो गए, कैसे देखते हैं आप? रेलवे प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कोई हमें मालूम नहीं है अभी, मुझे भी, मैं भी अभी आया। रेलवे प्रशासन से आप क्या उम्मीद कर, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? क्या बताया अभी, जैसा है। गाड़ियाँ बढ़ानी चाहिए कि नहीं? ऐसा भीड़ जनरल बढ़ जाए वही बहुत है, गाड़ी बढ़ जाए, जनरल डिब्बो भी बढ़ जाए वही अच्छा है। आप कहाँ जा रहे हैं? निजामुद्दीन। चालू डब्बा ना? हाँ, जनरल डिब्बा है। जनरल डिब्बा बराबर। सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसको देना तो चाहिए बराबर। आपका नाम क्या है? जावेद है। और आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है सर। कहाँ जा रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं दिल्ली जाऊंगा सर, जैसे तैसे करके यहाँ घुसा हूँ मैं, लगेज रखने का भी जगह नहीं है इसके अंदर। भीड़ कैसी कैसी रखी सर? बहुत ज्यादा भीड़ है इसमें। अभी यहाँ पर एक हादसा हो गया जिसमें 9 लोग घायल हो गए, भगदड़ हो गई थी जिसमें 9 लोग घायल हो गए, कैसे देखते हैं आप इसको? सर ये जनरल बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। सरकार से क्या? सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि या तो रेलवे प्रशासन से या तो ये जनरल के कोच बढ़ा दिए या फिर बिल्कुल खत्म कर दिए तो बेहतर रहेगा। मालूम तो रहेगा कि हमारा जनरल है ही नहीं इसमें। अभी का भीड़ है, अभी आप किसे? अभी बहुत ज्यादा भीड़ है सर, बहुत मुश्किल हो रहा है। दिवाली की छुट्टी है, इसकी वजह भीड़ हो सकती है? नहीं, हमेशा रहता है सर। इसमें कहाँ जा रहे हैं आप? सर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जी। क्या कहना चाहेंगे? अभी हादसा हुआ है, 9 लोग घायल हो गए, भगदड़ हो गए, भीड़ की वजह से। अरे भीड़ कितनी है इसमें, देखो ना, बैठने को जगह नहीं मिल रही है, कोई लाइन नहीं, पंखा भी नहीं चल रहा, कुछ नहीं है इसमें। सरकार से क्या रेलवे प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या ट्रेन बढ़ानी चाहिए ना, ट्रेन बैठने के लिए देखो खड़े हैं, होके जा रहे हैं, अभी यहाँ से पहला ही स्टेशन है ये। नहीं, मथुरा रहते हैं, अब नौकरी देरी करते हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ को लेकर क्या कहेंगे? भीड़ को लेकर यही कहेंगे कि गाड़ी भरनी चाहिए, डिब्बा भरना चाहिए। भीड़ क्या है, पब्लिक इतनी है और डिब्बा जनरल एक है, तो भीड़ तो रहेगी ना, हादसे तो होंगे। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से या रेलवे प्रशासन से, क्या अपील करना चाहेंगे? जनरल बोगी भरानी चाहिए ना, एक बोगी में क्या है, पब्लिक है, चार बोगी की एक में भरोगे तो हादसे होंगे ना। अभी 2 लोग बैठे, 10 लोग खड़े हैं, तो उसमें क्या होगा? भगदड़ मरेगी, मरेंगे और क्या होगा? दिवाली है, छुट्टी है, इससे भीड़ होती है। दिवाली कभी भी जाओ वही हालत रोती है, ये कभी कोई गार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये कोई लाइन में है लगाने के लिए, जैसे मर्जी से चढ़ रहे हैं। तो ये बच्चा चढ़ेगा भी गर्दी में, तो क्या होगा? ये लगेगी नहीं लगेगी इसको? मुंबई में बांद्रा टर्मिनस में जिस तरीके से घटना घटी है, स्टैम्पिड हुआ है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न रेलवे ये कह रहा है कि जो बांद्रा से गोरखपुर ट्रेन 5:15 बजे छूटनी थी
वो लगभग 2:44 पर प्लेटफॉर्म पर आ रही थी और प्लेटफॉर्म के आने पर के दौरान पैसेंजर उसमें चढ़ते हुए नजर आए, जिसको लेकर के हादसा होता है। वेस्टर्न रेलवे कह रहा है कि 2 लोग इंजर्ड है, जिन्हें हम जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं बाबा हॉस्पिटल, वहां पर पहुंचाया गया है। वहीं बीएमसी का कहना है कि लगभग 9 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें यहां पहुंचाया गया है, उसमें से 2 गंभीर रूप से घायल है। और इस वक्त स्थिति अगर बता दे तो हमें जो अंदर अस्पताल के सूत्रों से पता चल रहा है, कुछ लोग डामा लेके चले गए हैं, कुछ लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है और जो गंभीर रूप से घायल है उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। हमने एक व्यक्ति जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसके भाई से भी बात की, जो जसमदीत वहां पर मौजूद था। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहिए वो अभी तक मिल नहीं पाया, लेकिन उसे आश्वासन दिया गया है कि ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस तरीके का हादसा होना मुंबई में एक वापस से सवाल खड़ा करता है कि आखिर रेलवे प्रशासन उस समय क्या कर रहा था। और जब इस तरीके का त्योहारों का माहौल आता है, जब बड़ी संख्या में लोग अपने गांव जाते हैं, तो ऐसे हादसे होना लाजमी है। उसके चलते क्या प्रिकॉशंस रेलवे प्रशासन द्वारा लिए जाएंगे, इस पर भी हम सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन हालांकि कोई जान हानि नहीं हुई, इसको लेकर के सिर्फ इंजरीज हुई है। और हम बाबा हॉस्पिटल के सामने से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया जा रहा है रेलवे प्रशासन द्वारा कि अच्छी ट्रीटमेंट जो इंजर्ड है उनको दी जाएगी और समाधान किया जाएगा। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि इस तरीके की लापरवाही जो विजुअल्स में साफ तौर पर दिख रही है, ये कब तक चलती रहेगी? आप वहाँ पर जश्मदीद के तौर पर मौजूद थे, क्या हुआ, क्या देखा आपने, आपका कौन? मैं अपने भाई के वहाँ पे छोड़ने गया था, वो हादसा देखा बहुत ज़्यादा। ट्रेन आया, सभी लोग आए, उसमें भगदड़ हुआ, उसमें सब लोग बहुत लोग, किसी का पाँव कट गया, किसी का फट गया, किसी टूट गया है, किसी कुछ हुआ है, ऐसा ऐसा बहुत काइंड हुआ है। अभी हॉस्पिटल में आने के बाद से अभी हम लोग रात में 3:30 पुलिस लोग लेकर आए छोड़े। अभी उस टाइम से अभी तक एक्सरा हो गया, ज़्यादा अभी इलाज भी नहीं हो रहा बराबर। नहीं तो क्या तकलीफ है? हमें तो कहा जा रहा है कि इलाज के लिए यहाँ पर आपको एडमिट कराया गया, इलाज अच्छे से किया जा रहा है, और रेलवे प्रशासन द्वारा, बीएमसी द्वारा, रेलवे प्रशासन कर रहा है, समझ रहा हूँ। बाकी अभी तक उनको खाली इंजेक्शन ही भर लगा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो मैं क्या मान सकता हूँ। अभी वो बोल रहे हैं एक्सरा कराने के लिए हुआ है, अभी MRI बोल रहे हैं करने के लिए। देख, MRI बोलने के लिए बोल रहे हैं 2 दिन लगेगा, सरकारी की तरफ से होएगा, तो नहीं तो कैश चाहिए तो 5,000 रुपया लगेगा, तब होएगा। नहीं लेकिन वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी या कोई था नहीं क्या जो पूरे क्लाउड को कंट्रोल कर पाया? पुलिसकर्मी बहुत ज़्यादा थे, सब लोग क्लाइम को उठा के डाल रहे थे गाड़ी में, वो लोग बहुत हेल्प किए वो लोग। बाकी पब्लिक उसमें नहीं समझ पाया, बहुत हड़बड़ किया। लगभग कितने लोग ऐसे आपके साथ आए हैं आपको लगता है? मेरे हिसाब से तो मेरे साथ में 8-9 लोग तो थे इधर, बहुत गहरी चोट में। मेरे साथ में मेरा भाई भी था उसमें। अभी कैसी हालत है आपके भाई की? मेरा भाई को उठ बैठ नहीं पा रहा है, बहुत दर्द है उनको, तकलीफ ज्यादा ही है अभी बहुत ज्यादा। क्या नाम है उनका? उनका परमेश्वर गुप्ता नाम है। तो अभी आपको क्या लगता है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, आगे अच्छे से किया जाएगा? अभी ट्रीटमेंट होगा, अभी वो करने के बाद वो दर्द मालूम पड़ेगा, तभी होएगा कुछ। लेकिन रेलवे प्रशासन कह रहा है सिर्फ 2 लोग इंजर्ड थे, आपने कहा ज्यादा लोग थे? नहीं, ज्यादा ही लोग हैं, 6-7 लोग से ऊपर ही, 9 लोग तो होंगे।